शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है बिस्मिल्ला बड़े बड़े अल्लाह के वली कहते हैं असर के वक्त जो कुरान की यह सूरत तीन बार पढ़ता है फरिश्ते हाथों में दौलत लिए दौड़े दौड़े उस घर आते हैं मोहतरम नाजरीन कुरान मजीद की वो सूरत जिसे नमाज असर के बाद पढ़ने से अल्लाह उसको अपना दोस्त बना लेता है और यह सूरत वही पढ़ता है जिसे अल्लाह चुन लेता है नाजरीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस सूरत के तिलावत को तर्क न करो क्योंकि इसकी तिलावत करने वाले को अल्लाह दोस्त रखता है और अपने पसंदीदा बंदों में शामिल कर लेता है तो जो शख्स हमेशा इसकी तिलावत करता है खुदा कयामत के दिन उसका आमाल उसके दाएं हाथ में देगा और वो बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होगा और आखिरत में उसे इतना अजर मिलेगा की वो राजी हो जाएगा कुरान करीम अल्लाह का पाक कलाम है जो उसने कयामत तक आने वाले इन सो जिन की रहनुमाय के लिए आखिरी नबी हजूर अक्रम पर वही के जरिए नाजिल फरमाया करीम अल्लाह तला की सिफ्त है मखलूक नहीं और वो लोहे महफूज में हमेशा से है अल्लाह के जो फैसले आसमानों के ऊपर तहरीर है वो किसी भी तब्दीली से महफूज होने के साथ शायतीन के शर से भी महफूज है इसलिए उसको लोहे महफूज कहा जाता है उसकी शक्ल सूरत व हजम क्या है हम नहीं जानते मगर कुरान हदीस की रोशनी में हम उस पर ईमान लाए कुरान कुराना का मुसदर है जिसके मानी है पढ़ी जाने वाली किताब वाकई दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान करीम है जिसको बगैर समझे भी लाखों लोग हर वक़्त तिलावत करते हैं अल्लाह तला ने मुतद जगहों पर अपने कलाम पाक कलाम के लिए कुरान का लफ्ज इस्तेमाल किया है इनहू लान करीम इसी तरह फरमाया बल हुआ कुरआन मजीद कुरान करीम अरबी बान में नाजिल किया गया है जैसा कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है हमने उसको ऐसा कुरान बनाकर उतारा है जो अरबी जबान में है ताकि तुम समझ सको अल्लाह तुरन करीम को कयामत तक आने वाले इंसानों की हिदायत के लिए नाजिल फरमाया है मगर अल्लाह ते इस माह लाइल में अल्लाह तोही महफूज से समाये दुनिया पर कुरान करीम नाजिल फरमाया और उसके बाद हसब जरूरत थोड़ा थोड़ा हजूर अक्रम सल पर नाजिल होता रहा और तकरीबन तेईस साल के अरसे में कुरने करीम मुकम्मल हुआ कुरने करीम का तदरीजी नजूल उस वक़्त शुरू हुआ जब आपकी उम्र मुबारक चालीस साल थी कुरान कईम से सबसे पहली जो आयतें हिरा में उतरी वो सूरत अलग की इब्तदाई आयात है इस पहली वही के नजूल के बाद तीन साल तक वही के नजूल का सिलसिला बंद रहा तीन साल के बाद वही फरिश्ता जो अगार हिरा में आया था आपके पास आया और सूरतर की इब्तदाई चंद आयात आप नाजिल फरमाई उसके बाद हजूर अक्रम की वफ़ात तक वही के नजूल का तदरीजी सिलसिला जारी रहा गर्ज तकरीबन तेईस साल के अरसे में कुरान करीम मुकम्मल नाजिल हुआ तलावत कुरान एक बहुत ही अज़ीम इबादत है वो इस तरह के कुरान पाक पढ़ना हो या पढ़ाना सुनना हो या सुनाना सब ही सवाब के काम है और तलावत कुरान में सबसे अहम बात यह है कि बंदा हर्फ एक पढ़ता है लेकिन सवाब उसे दस नेकियों का मिलता है चनाचा नबी रतल वसलम का फरमान है जो शख्स किताबुल्लाह का एक हर्फ पढ़ेगा उसको एक नेकी मिलेगी जो दस के बराबर होगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदे कुरान के सिवा किसी चीज़ से खुदा का इतना हासिल नहीं कर सकते जितना कुरान से यानी तिलावत कुरान से बंदा खुदा का सबसे ज्यादा कुरब हासिल कर सकता है तलावत कुरान दिलों को सुकून देती है तिलावत कुरान अपने साथ बरकत लाती है तिलावत कुरान से ईमान की लजत मिलती है तिलावत कुरान से अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल होती है तिलावत दुनिया के सारे गमों को भुला देती है तलावत कुरान मुसीबतें टाल देती है तिलावत कुरान आखरत में निजात दिलाएगी तलावत कुरान करने वाला गोया के अपने रब से मुनाजात कर रहा है तलावत कुरान अकल को बढ़ाती है अल्लाह ताला अपने अखलास के साथ कुरान पाक की तिलावत नसीब फरमाए आमी पाक वसलम ने इर्शाद फरमाया बेशक दिलों को जंग लग जाता है की गई ला इसकी सफाई किस चीज़ से होगी इर्शाद फरमाया कुरान और मौत को बकसरत याद करने से कुर पाक वो वाहिद किताब है जिसका पढ़ना सुनना देखना और छूना सब इबादत और सवाब का का काम है कुरान पाक रोशनी है नूर है सामान निजात है जिक्र हकीम है और सिरात मुस्तकीम है इसके फज़ाइल बेशुम है इसकी तिलावत का अजर सवाब बेहद वे बे हिसाब हैल्ला की नादिल करदा किताब है इसमें पूरी इंसानियत के लिए रुशद हदायत और कामयाबी कामरानी का सामान मौजूद है ये किताब बंदों को खालिक से मिलती है गुमराहों को सिरा मुस्तकीम का पता बताती है उजड़े दिलों में ईमानो यकीन के सब्जे उगाती है कल्बो जिगर को तकवा तहारत के नूर से मुनवर करती है मायूसी में डूबी हुई जिंदगी में उम्मीद आज की क्षमा रोशन करती है रूहानी और जिस्मानी अमराज का सफाया करती है परेशानियों को दूर करती है और उसके अलावा न जाने कितनी सिफात की हामिल ये बेनज़ीर किताब है यूं तो इंसानों की रुश्दो हिदायत के लिए मतदद सहीफे नाजिल किए गए जिनमें से बेशतर हवादीस की नजर हो गए और कुछ बाकी रहे तो गुजरते वक्त के साथ उनमें तहरीफ व तरमीम होती रही हती कि वो अपनी असल शक्ल और सूरत से बिल्कुल मुनहरफ हो गए लेकिन ये कुरान करीम का इम्तियाजी वसफ़ है कि उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी खुद अल्लाह तला ने ले रखी है और इसकी हिफाजत के लिए ऐसा वसी और आलमगीर निज़ाम कायम फरमाया है जिसके नतीजे में उसका हर्फ तो क्या एक नुकता भी आलूद तरीफ न हो सका और ना हो सकेगा अल्लाह ताला ने लाखों की तादाद में हफ्जो कुर्रा और, और मुफस्सरीन पैदा कर दिए हैं जिनका शब और रोज़ कुरान के पढ़ने पढ़ाने और इसको समझने समझाने में गुजरता है महमतान कुरान करीम से वाबस्ता रहते हैं और उसके मुआरिफ से फैजियाब होते रहते हैं यकीनन उनसे बड़ा खुश नसीब और कामयाब ज़मीन में कोई भी नहीं है और हो भी कैसे सकता है भला उन अफराद के मकाम और रुतबे तक किसकी रसाई हो सकती है जो खुदा के इस निज़ाम का हिस्सा है जो उसने हिफाजत कुरान के लिए मुक्र किया हुआ है बेशक कुर करीम दुनिया की तमाम किताबों से बाहर एतबार फाय को बढ़तर है उसकी सदाकत वक्ानियत रोज़ रोशन की तरह आया है उसकी हलावत व शरीरनी और असर आफरीनी ऐसी है कि लोग दीवाना वार की तरह खींचे चले आते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े जाने का एजाज़ भी कुरान करीम को ही हासिल है बेशक ये किताब तमाम किताबों से अफजल है जैसा कि एक रिवायत में है फजल कलाम सामी का फजल खल की ही तर्जमा अल्लाह के कलाम की फजीलत तमाम कामों पर ऐसी है जैसे अल्लाह का मकाम तमाम मखलूक़ात के मुकाबले में भला अल्लाह के मुकाबले में उसकी मखलूक़ात की क्या हैसियत है ठीक इसी तरह कुरान के आगे दूसरी किताबों की क्या हैसियत है कुरान करीम पढ़ने की बहुत सी फजीलतें और में बयान की गई है जिनमें एक मशहूर रिवायत यह ये हैजरत ऊस्मान रजी अल्लाह से रिवायत है की रसूल सल्लाम ने रिशात फरमाया तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए रसूल अल्लाह सलम का यह किताब तमाम बनी नू आ से के तमाम इंसानों में बेहतर और तरीन शख्स वो है जो इन दो सिफात का अब तमाम है लिहाजा अफजल तरीन में मशगोल होने वाला भी इंसानों में सबसे अफजल होगा रजी से है करीम सलम ने फरमाया की कि अल्लाह तीस चीज़ को उसे प्यार नहीं सुनता जितना कि वो उस नबी की आवाज़ को कि जो खुशल हानि के साथ कुरान पढ़े अबू सैद खुदरी बयान करते हैं कि हजरत बिन रजी अल्लाह एक रात अपनी खजूरों की खलिया में कुरान मजीद पढ़ रहे थे कि उनका घोड़ा बिदकने लगा आप रजी अल्लाह तहु ने फिर पढ़ा वो फिर बिदकने लगा आपने पढ़ा वो फिर बिदकने लगा हजरत असैद कहते हैं कि मैं डरा कि कहीं वो या को कुचल न डाले मैं उसके पास जाकर खड़ा हो गया मैं क्या देखता हूँ एक साहिबान की तरह मेरे सर पर है वो चिरागों से रोशन है वो ऊपर की तरफ चढ़ने लगा यहाँ तक कि मैं उसे फिर न देख सका के वक्त मैं रसूल ला ला के पास आया और अर्ज किया, के रसूल मैं रात के वक्त अपने खलियान में कुरान मजीद पढ़ रहा था कि अचानक मेरा घोड़ा भिदकने लगा तो रसूल वसल्लम ने हुज़ैर पढ़ते रहो उन्होंने अर्ज किया के मैं पढ़ता रहा वो फिर इसी तरह भिदकने लगा रसूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इब्ने हुजैर पढ़ते रहो उन्होंने अर्ज किया कि मैं पढ़ता रहा वो फिर इसी तरह बिदकने लगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इब्ने हुजैर पढ़ते रहो इबन हज़ैर कहते हैं कि मैं पढ़ कर हुआ तो या उसके करीब साहिबान की तरह देखा इसमें चराग से रोशन थे और ऊपर की तरफ चढ़ा यहाँ तक कि इसे मैं न देख सका रसूल अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो फरिश्ते थे जो तुम्हारा कुरान सुनते थे और अगर तुम पढ़ते रहते तो सुबह लोग उसको देखते और वो लोगों से पोशीदा न होते हज़रत आयी अल्लाह तहुम फरमाती हैं के रसोल्ला वसलम ने रशात फरमाया कि जो आदमी कुरान मजीद में माहिर हो वो उन फरिश्तों के साथ है जो मुआज़ और बुजुर्गी वाले हैं और जो कुरान मजीद अटक अटक कर पढ़ता है और उसे पढ़ने में दुशारी पेश आती है तो उसके लिए दोहरा अजर है हजरत अबू हरेर रजी अल्लाह तहु ने फरमाया आसमान और ज़मीन को पैदा करने से हज़ार साल पहले अल्लाह ने इन सूरतों की तिलावत की और जब फरिश्तों ने तिलावत सुनी तो कहने लगे कि खुश नसीब है वो उम्मत जिस पर ये कुरान उतारा जाएगा और खुशहाली उन दिलों के लिए जो इसको पढ़ेंगे और इसको याद करेंगे और खुशहाली है उन जबानों के लिए जो इसकी तिलावत करेंगे एक हदीस में है कि जो शख्स इस सूरत को सिर्फ अल्लाह की रजा के वास्ते पढ़ेगा इसके पहले वाले सब गुनाह माफ हो जाते हैं बस इस सूरत को अपने मुर्दों पर लाजमी पढ़ा करो तो ये सूरत कम अज़ कम दिन में एक मरतबा इसको लाजमी पढ़े क्योंकि जो इस सूरत की तिलावत करते हैं अल्लाह उसे पसंद करते हैं और उसको <वली> उल्लाह बना देता है तो आप भी सूरत से दोस्ती कर लें अल्लाह की रजा के लिए तीन मरत रोजाना असर की नमाज के बाद पढ़ें अल्लाह आपसे इतना खुश होंगे कि आपकी जिंदगी की तमाम परेशानियां जो हैं इन खत्म हो जाएंगी जैसा चाहेंगे वैसे ही होगा अल्लाह का कलाम और रब की आखिरी आसमानी किताब है पूरा कुरान खैर भलाई और रहमत व बरकत और शिफा का सर चशमा है इस पर ईमान लाना तिलावत करना आयात में तदब्बर करना अमल करना शिफा के लिए कुरानी आयात पढ़ दम करना और पूरी जिंदगी इसके मुताबिक गुजारना ये कुरान का हक है अलबत् रसूल अक्रम सल्ह वसलम ने कुछ सूरतों और आयतों की खसूस फजीलत बयान फरमाई है उन्हीं में से एक सूरत सूरतमल है की तीन फजीलतें सही अहदिस में मौजूद है प्यारे नबी सल्ह वसलम इस सूरत मुबारक की तिलावत किए बगैर नहीं सोते थे ये सुर मुबारक अपने साथी के लिए शफात करेगी यहाँ तक की उसको माफ़ कर दिया जाएगा नबी रहमत सल्हुह वम ने इर्शात फरमाया कुरान में एक सूरत है जिसमें तीन आयतें हैं वो अपने पढ़ने वाले के लिए अल्लाह तला से सिफारिश करेगी हती कि उसकी मफ़रत कर दी जाएगी और वह सूरत तबारक लजीब यादमल्क सूरतमल कबर के अजाब से बचाने वाली है इस सूरत का साथी ही कबर के अजब से इनशाला महफूज रहेगा रसूल्ला सला वम ने इरशाद फरमाया सूरत तबारकबर के अजाब को रोकने वाली इस सूरत को सोने से पहले पढ़ने की तलकिन है चूँकि नींद मौत की तरह है बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लाम ने सोने की दुआ में नींद को मौत करार दिया है और नबी अक्रमल वम का इसे सोने के वक्त पढ़ने के लिए इंतख करने की वजह आखरत में उसके खसूस फ़वाद हैं जैसा कि दूसरी और तीसरी फजीलत से वाज है कि ये सूरत अजाब कब्र से हिफाजत का ज़रिया है और आखरत में मजबूत शफात की शक्ल में निजात का सबब बनेगी गोया इस सूरत का अहतमाम करने वाला आखिरत में कामयाब हो जाएगा इन शाहतमल्क की फजीलत का तकाजा है कि हम वैसे ही पढ़ने का एहतमाम करें और नमाज असर के बाद पढ़ने से इसकी फजीलत और भी ज़्यादा है जैसा कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था इस सूरत की अहमियत का राज क्या है ये काबिल गौर पहलू है जब हम इस सूरत की आयत पर गौर करते हैं तो हमें पता चलता है ये सूरत रब्बुल आलमीन की अजमत बादशाहत कुदरत और रबीयत की तालीम पर मुशतमिल है इससे बंदे के दिल में खालिक और मालिक का खौफ और अल्लाह की ताज़ीम पैदा हो जाती है इस सूरत मुबारक में अल्लाह ने तन में खौफ इलाही के फ़वाद का जिक्र करते हुए फरमायाजी बिलगई बत अजरन कबीर बेशक जो लोग अपने परवरदिगार से गायबाना तौर पर डरते रहते हैं उनके लिए बख्शिश है और बड़ा अजर सवाब है अल्लाह का खौफ व खशियत बड़ी अजीम इबादत है और इस इबादत का इनाम अल्लाह की जन्नत है मुल्क ज़िंदगी का मकसद खालिक के कायनात की तज़ीम और आलमीन की महब्बत सिखाती है रब अज़ीज़ की क़वत व ताक़त का दर्ज देती है रब से बगावत और कुफर के बुरे अंजाम से डराती है और बंदगी करने वालों के लिए शदत उमा की बशारत सुनाती है अल्लाह ताली ने पहले ही आयत में फरमाया कि बादशाहत का मालिक वही अल्लाह है जिसकी खैर वरकत की कोई इंतहा नहीं है वह हर चीज़ पर मुकम्मल कुदरत रखने वाला है उसके बाद अल्लाह ताला ने अपनी बादशाहत और अजीम कुदरत के दलायल बयान फरमाए हैं मौत और ज़िंदगी का खालक भी अल्लाह ही है और उस जिंदगी का मकसद आजमाइश और इम्तिहान है कि कौन सबसे बेहतर अमल वाला है सात बुलंद वाला तय बत आलिशान आसमान जिसमें कोई शगाफ़ और खलल नहीं है उसी एक अल्लाह ने बनाया है क्यामत वाकई होने वाली है और अल्लाह ने शैतिन और कुफ़ार के लिए खौफनाक जहनुम तैयार कर रखा है और परहेजगारों के लिए जन्नत तैयार कर रखा है ज़मीन की तख्लीक़ चलने के लिए हमवार रास्ते रिज की फरावानी और ज़मीन की नरमी अल्लाह की कुदरत की दलील है परिंदे जो भी फिज़ा में परवाज़ करते हैं और अपने परों को फैलाते हैं और समेटते हैं ये उसी आलमीन की कुदरत है कि वो फिजा में बाकी रहते हैं इंसानों को रब ने पैदा फरमाया कान आँख दिल अत फरमाए रोजी का बंदोबस्त उसी अल्लाह ने किया है ये रब की बादशाहत और कुदरत रहमत की दलील है कयामत का आना यकीनी है लेकिन उसका इल्म सिर्फ एक अल्लाह ही को है आखिरी आयत नंबर तीस में फरमाया कि पानी जिस पर तुम्हारी ज़िंदगी का मदार है वो भी रब की रहमत की वजह से बसानी मिल जाता है वरना वो चाहे तो पानी इतनी गहराई में कर दे कि तुम उसे किसी भी सूरत हमें हासिल न कर सको जिस अल्लाह की शान ये है कि तुम अपनी जिंदगी की हर जरूरत में उसके मोहताज हो उस अल्लाह से बगावत करना कितना बड़ा जुर्म होगा शिरक करना और अल्लाह की आयत का इनकार करना बल्कि अल्लाह के रसूलों का झूठा और गुमराह करार देना कितनी ज़रूरत और दीदा दलेरी और हट धर्मी की बात है क्या समझदार और इंसाफ पसंद ऐसा कर सकता है नहीं कर सकता है दरअसल तकबर और गरूर और दुनिया की मोहब्बत नफ्स परस्ती मनपसंद जिंदगी की मोहब्बत इंसान को अंधा बहरा कर देती है इसलिए अल्लाह ने शयातीन और उसकी राह पर चलने वाले कुफ़ार और इस्लाम के दुश्मनों के लिए जहनुम की शदीद वहीद सुनाई है और वाकई ऐसा इंसान सचमुच अंधा है बसीरत से महरूम है अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को मुंह के बल चलने वाला करार दिया है जिसे अपनी राह दिखाई ही नहीं दे रही है ये बात आयत नंबर बाईस में मौजूद है अहल ईमान के लिए इस सूरत मुबारक में अहम पैगाम पोचीदा है जो समझ कर हर रोज़ तिलावत करेगा और गौर वफिक्र करेगा वो उसके असरात अपनी जिंदगी में ज़रूर महसूस करेगा चंद अहम पैगाम दर्ज झेल हैं बरकत यानी खैर में इजाफा और दवाम वह हमेशगी रब की तरफ से है नमतों में बरकत डालना सिर्फ रब का, का काम है लिहाजा बरकत के हसूल के लिए सिर्फ़ रब अमीन से रजू करना चाहिए तबारकल्लजी बिया दिल मुल्क आसमान व ज़मीन का खालिक मालिक और मदब्बर अल्लाह ताला है वो शहनशाह है इसलिए उससे मोहब्बत करना और उससे डरना ही समझदारी और मंदी है ज़िंदगी का मकसद ईमान और अमल सालिह की ज़िंदगी गुजारना है लेबलुकम अयम अहसन तन्हाई में रब से डरना एक अजीम इबादत है जिस पर मगफुरत और बड़े अजर का वायद किया गया है दुनियावी अमूर और चीज़ों में मशगूल होकर आखिरत को फरामोश नहीं करना चाहिए क्योंकि दुनिया जवाल पजीर है दवा और हमेशगी सिर्फ आखरत के लिए है वही नशूर कायनात में मौजूद आयात इलाही मसलन आसमानों ज़मीन सूरज चांद मुख्तलिफ किस्म के पल फूल अनाज पेड़ और पौधे वगैरह पर गौर वफ़िक्र करना चाहिए ताकि रब की ताज़ीम पैदा हो क्योंकि मखलूक की अज़मत खालिग की अजमत की दलील है स़रात मस्तकीम यानी इस्लाम पर चलने वाला रबालमीन के नज़र में काबिल तारीफ है उस और उसकी बसरत और बसारत की गवाही रब ने खुद दी है अल्लाह ने हमें पैदा किया कान आँखें दिल अतः फरमाया ताकि हम शुक्र अदा करें हर नेमत का तकाजा है हम अपने रब का शुक्र अदा करें ईमान और अल्लाह हिदायत की पहचान है और अहले ईमान का सबसे मजबूत वस्फ और सहारा है उसके बरअक्स शिरक और रब से दूरी खुली हुई गुमराही है क्यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह को है अल्लाह के वसी इल्म की दलील है बल्कि अल्लाह तला सीने के पोशीदा ख्याल को भी जानता है सूरत अहले ईमान को बंदगी के आदाब सिखाती है और ईमान अमल साल खशियत इलाही आख़रत और जन्त जहनम पर ईमान रब की शुक्र गुजारी गौरविक्रकामत अलद्दीन तवक्ल अल्लाह और रब्बुल आलमीन से हमेशा डरने और मोहब्बत करने की तालीम देती है अल्लाह ताला हमें इस सूरत मुबारक की तिलावत करने की तोफ़ी अता फरमाए आमीन दुनिया में अमूमी तौर पर इंसान माली परेशानियों में जकड़ा रहता है लेकिन उसका हल भी कुरान मजीद में मौजूद है सूरत मल्क की तिलावत करने से न सिर्फ आपके रिस्क में कुशादगी होती है बल्कि कर्जों से भी निजात मिल सकती है इसी तरह और क्या कुछ फ़वाद हैं और कुछ यूँ हैं फराखी या रिज के लिए सवाब के अलावा रिज की फराखी के लिए हर रोज नमाज असर के बाद तीन बार सूरत मुल्क पढ़े अव्वल आखिर मरतबा दरुद पाक पढ़े हर रोज असर की नमाज के बाद ये वजीफा नागा पढ़ने का मामूल बना लिया जाए तो रब तला के फजल से कभी रिस्क में कमी वाक ना होगी और अल्लाह तला के पसंदीदा बंदों में आप शुमार हो जाएंगे अल्लाह तला आपको वली बना देगा गर्बत तंग दस्ती और अफलास दूर करने के लिए हर जुमे को नमाज इशा पढ़कर मुसल्हे पर बैठे और अव्वल आखिर ग्यारह बार दरुद पाक पढ़े दरमियान में तीन मरतबा सूरत मुल्क पढ़े फिर रब ताला से दुण दुण दुआ मांगे और किसी से बातचीत न करे हक ताला ने चाहा तो चंद ही दिनों में उस पर खुदा का बेानतहा इनाम और इकराम हो जाएगा बावजू हालत में सात मरतबा सूरत मुल्क पढ़कर अपनी दुकान के माल पर दम करें अल्लाह ताला ने चाहा तो दुकान खूब चलेगी और गाहक वाफिर मकदार में दुकान में आएंगे जिस किसी पर बहुत ज़्यादा कर्ज वाजिबल हो और वो कर्ज अदा करने की ताकत न रखता हो तो उसे चाहिए कि वो हर नमाज के बाद अव्वल ग्यारह मरतबा दरूद पाक पढ़े फिर एक बार सूरत मुल्क पढ़े सूरत मुल्क पढ़ने के बाद फिर ग्यारह मरतबा दरूद पाक पढ़े हकता ने चाहा तो गैब से कर्ज की अदायगी का सामान पैदा हो जाएगा और परेशानी जाती रहेगी जो शख्स गुरबत व अफलास का शिकार हो उसे चाहिए कि वो हर रोज़ फजर की नमाज के बाद एक मरतबा सूरत मुल्क पढ़े परदा गैब से ऐसा सामान पैदा होगा कि उसकी माली परेशानी खुशहाली में बदल जाएगी घर के हालात ठीक हो जाएंगे मालो दौलत की रेल पैल हो जाएगी लेकिन इस मकसद के लिए बेलानागा सूरत मुल्क का विद करना ही मतलूबा मकसद को पूरा करता है नादिन गुजारिश है कि अल्लाह ताली के निन्नवे नामों में से कोई एक नाम लिख कमेंट में ज़रूर शेयर करें अल्लाह ती हम सब का हामीनासर हो आमीन जजाकल्ला